ये यहाँ पे आपको सीट जो हीटिंग सीट्स हैं उसके बटन्स आपको अवेलेबल हैं, साथ में आपको पेनड्राइव और ऑक्स का जैसे मैंने आपको बताया था, बट आपको यहाँ पे ये बटन्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी सीट को हीट रखेंगे। अब सर्दियों का टाइम आने वाला है, सो होप ये चीज़ आपको फीचर जो है पसंद आया होगा। सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज बैंक्स कस्टम और मैं हूँ भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस जैसे कि आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक फुल्ली कस्टमाइज्ड मारुति 800। सो गाइस इस गाड़ी में इतनी ज्यादा डिटेल्स हैं कि आज की वीडियो जो है बहुत लंबी होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को करने के लिए गाइस मैं आ रखा हूँ स्पेशल समराला पंजाब के अंदर, और आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन हो रखी है। गाइस इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं जो कि अभी लेटेस्ट गाड़ियों में है, जो लॉन्च हो रही है, जो इस गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए और फुल एंजॉय करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक करिए। Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight. Darkness can't hold. जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस कस्टमाइज मारुति 800 के ऊपर। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स काम हो रखे हैं गाइज, और अच्छी कस्टमाइजेशंस हो रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साइड अपीयरेंस। पहले मैं आपको एक वॉक अराउंड करवाता हूँ गाड़ी का, चारों तरफ से दिखाता हूँ गाड़ी की अपीयरेंस कैसी है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस में क्या क्या कस्टमाइजेशंस हो रखी हैं और इसमें टोटल कितना जो है वो एक्सपेंस आया है। सो ये है इसकी रियर लुक्स। इसकी लाइट्स एक बार चेक करें, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही नीट काम जो है इस गाड़ी के अंदर हुआ हुआ है गाइस, और बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने काम करा रखा है। यहाँ पे आप इसके अलॉयज चेक करो। सो ये आ गया वापस से हमारा फ्रंट। सो गाइस अब आप बिल्कुल सीट बांध के बैठ जाइए, क्योंकि गाड़ी के बारे में मैं बताने शुरू करने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं इसमें लगी हुई है, यहाँ पे आपको पूरी DRLs मिल जाएंगी। ये टर्न इंडिकेटर के साथ DRLs हैं गाइस, रात को ब्लू भी जलती हैं, और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाएगी, जो इसमें आप यहाँ पे ये बल्ब देख सकते हैं, ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ब्लू कलर का बल्ब है, बट बहुत ही यूनिक और अच्छे डिज़ाइन का जो है इसमें बल्ब है। सो गाइस अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसके अलॉयज व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स जो हैं गाइस, ये स्टारफिश टाइप का अलॉय है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एकदम बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अपने टाइम में ये बहुत अच्छा डिज़ाइन था। RPM ब्रांड का जो है आपको इसमें अलॉय मिलेगा, क्रोम कलर का। शाइन आप देख सकते हैं कैसे लग रही है। सो स्टारफिश मिलेगा आपको यहाँ पे 15 इंच का। इसमें टायर जो इंस्टॉल्ड है गाइस वो लीफ कट टायर है, वी शेप में जिसको हम बोलते हैं। जो नंबर है उसका वो है 195/45R15, मतलब 15 इंच का इसके अंदर अलॉय लगा हुआ है गाइस। 15 इंच मारुति के हिसाब से बहुत ह्यूज अलॉय होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसकी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इनहांस कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे रेड कलर की ब्रैम्बो ब्रेक पैड्स। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो ये ब्रैम्बो ब्रेक पैड्स जो हैं इसके अंदर गाइस, ये ब्रेक पैड्स कवर है। सो ये ब्रैम्बो का है, ओरिजिनल ब्रैम्बो है। सो होप आपको जो ये चीज़ है ये पसंद आ रही होगी। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कस्टमाइज रियर व्यू मिरर। सो ये मैनुअल रियर व्यू मिरर है, आप चेक करो इसका डिज़ाइन एक बारी। सो ये पूरे पूरे कस्टमाइज मैनुअल रियर व्यू मिरर आपको दोनों साइड में इस टाइप के मिल जाएंगे। थोड़ा ट्रांसफर लुक है, जैसे आप यहाँ पे इसके कर्व्स एंड एजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और अच्छा डिज़ाइन है। आपको यहाँ पे चारों साइड गाइस डोर वाइजर्स मिल जाएंगे, ये चीज़ चेक करें। ब्लैक कलर के जो हैं डोर वाइजर्स जो हैं इसमें इंस्टॉल्ड हो रखे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जैसे पीछे देख सकते हैं इसमें फुल कस्टमाइज रियर टेल लैम्प, और जो टर्न इंडिकेटर है वो चेक करो। जैसे आजकल ऑडी BMW मर्सिडीज में आता है वो वाला टर्न इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है, और ये जो आपको रियर टेल लैम्प का होप डिज़ाइन गाइस पसंद आया होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एग्जॉस्ट टिप की, तो एग्जॉस्ट टिप गाइस
काफ़ी ह्यूज एग्जॉस्ट टिप लगी हुई है इसके अंदर, जो कि इम्पोर्टेड है ऑस्ट्रेलिया से। सो जो इनके ओनर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो अभी फ़िलहाल इंडिया में आए हुए हैं दिवाली की छुट्टी होकर, और यहाँ पे इस गाड़ी के लिए ये एग्जॉस्ट टिप ये लेके आए हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइज, ये गाड़ी जितनी हो सकती है मैक्सिमम लिफ्टेड है। आप यहाँ से चेक करें कितनी ज़्यादा लिफ्टेड है ये गाड़ी, और ये इसके सस्पेंशन टाइप्स हैं। अराउंड ये गाड़ी 5 इंच लिफ्टेड है, ये नीचे से चेक करें तो काफ़ी, जब चलती है पीछे से तो काफ़ी ब्रॉड और ह्यूज जो है इसकी अपीयरेंस आती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर्स की। जैसे आपने एक्सटीरियर्स तो देखे हैं इसके, बट जो इसके इंटीरियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको 4 पावर विंडोज़ मिल जाएंगी इसमें गाइस, 4 पावर विंडो, और यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये चीज़ चेक करें, बहुत ही यूनिक चीज़ जो है इन्होंने इंस्टॉल कर रखी है। सो यहाँ वो भी कस्टमाइज है, ये चीज चेक करें आप, हैंडल, ये डोर हैंडल। इसमें अब म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, यहाँ पे तो आपको फ्रंट में फोकल के आपके स्पीकर्स जो हैं इंस्टॉल्ड मिलेंगे। फोकल जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत जेन्युइन नाम से ब्रांड है म्यूजिक सिस्टम्स को लेके। अब मैं बात करता हूँ ऑटो टेक्निका का, आपको गाइस इसमें स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। सो ये स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील जो है आपको इसमें इंस्टॉल्ड है, और जो ये स्टेयरिंग व्हील है गाइस ये इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ चेक करें, ये रिवॉल्विंग नॉब जो है आपको इसके साथ मिलेगा स्टेयरिंग व्हील के साथ, जो कि आपको आपकी ड्राइव को जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो गाइज ये चीज़ चेक करो आप, इसके अंदर आपको 7.5 इंच का पायनियर का फ्लिपेबल आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। सो ये टच स्क्रीन माउथ तो आप चेक करो, फ्लिपेबल है, निकला बाहर और ऐसे आपको डिस्प्ले आ गया। यहाँ पे आपको गाइस पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा मारुति 800 के अंदर। यहाँ पे साथ में आपको फ्यूल कैप ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा। सो फ्यूल कैप पहले मैनुअल आता था, बट ये ऑटोमेटिक इन्होंने इंस्टॉल करवा रखा है। सबसे मेन बात जो है गाइस वो है यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले। सो आप ये चीज चेक कर सकते हो, ये है हेड अप डिस्प्ले गाइस। अभी जो नया एकदम टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई है वो गाड़ी में इसमें इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्शन में 0 किलोमीटर शो कर रहा है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये चलता है, आपको किलोमीटर दिखाएगा, आपको नेविगेशन दिखाएगा। सो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगी कि मारुति कार में हेड अप डिस्प्ले जो है इंस्टॉल्ड है, जो एकदम लेटेस्ट जो फीचर है वो चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, सो आपको कुछ गेजेस मिल जाएंगे। सो ये चीज़ चेक करो आप, यहाँ पे मैंने बटन खोला, सो ये गेज है गाइस यहाँ पे, अगर आप इसको ऑन कर दोगे, सो ये ऑन हो गया तो आपको रियर व्यू मिरर दिखेगा। सो ये गाइज आप ऑन कर दोगे तो आपको रियर कैमरा में आपको यहाँ पे डिस्प्ले में स्क्रीन दिखेगी। सो गाइज ये देखिए गाइज, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 स्विचेस। सो ये वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्विचेस हैं, बट इनका जो वर्किंग काम है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपने ऑन किया और यहाँ आपको स्क्रीन में गाइज रियर में दिखेगा, रियर कैमरा से। आप नॉर्मली भी इसको अगर ऑफ भी रखेंगे तो आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो आपको गियर में भी कैमरा में दिखेगा, बट आपको यहाँ नॉर्मली भी कैमरा में दिख सकता है। तो ये स्विच का ये काम है, मैंने जैसे स्विच बंद कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कस्टमाइज जो है सेंटर कंसोल इन्होंने बना रखा है वुडन फिनिश के साथ। गियर नॉब जो है वो चेंज है, हैंड ब्रेक का जो गाइज ऊपर कवर है वो वुडन फिनिश में आपको मिलेगा। सो काफी सारा जो काम है यहाँ पे वुडन में हो रखा है। ये पूरी आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं वो पूरी वुडन फिनिश में गाइज आपको मिलेगी। फोकल के आपको इसमें ट्यूटर मिल जाएंगे गाइज यहाँ पे। सो गाइज ये चीज चेक करें, फोकल के आपको ट्यूटर मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद आपको रियर व्यू मिरर यहाँ पे, आपको साइड व्यू मिरर गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे बीम ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, बीम एडजस्टर जिसको हम बोलते हैं। सो ये आप 0 to 4 आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या इसमें फीचर मतलब कितनी लाइट चाहिए क्या चाहिए। सो कई बहुत ज़्यादा इसमें जो है काम हो रखा है। यहाँ पे आपको एक माइक मिलेगा, जैसे आप बात करना चाहें किसी से फ़ोन पे, इसमें अब फुल कनेक्टिविटी है तो माइक भी आपके साथ इसमें इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपको एक टाइमर वॉच मिल जाएगी जो कि डिजिटल में टाइम शो कर रही है, अभी 2:25 हो। बात करता हूँ जो सीट्स हैं, ये हीटेड सीट्स हैं गाइज, आपको फ्रंट में दोनों सीट्स हैं वो हीटेड मिल जाएंगी। सो ये बहुत ही रेयर फीचर है एक मारुति 800 के हिसाब से। उसके बाद जो इसका आर्म रेस्ट है वो भी सारे काफ़ी सारे फीचर जो है प्रोवाइड करता है। जैसे इसको यहाँ से ओपन किया,
सो ये आगे हो गया, जैसे और कंफर्टेबल आपको ड्राइव बनाता है जो, उसके बाद यहाँ से ये ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे इसके अंदर LEDs भी लगी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, और ओपन होके इसमें काफ़ी सारी स्पेस जो है आपको मिलेगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक और कप होल्डर आपको इसके साथ मिलेगा। सो ये काफ़ी जो है फीचर के साथ लेस है, जो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी जो हैंड रेस्ट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे, तो ये कस्टमाइज आपको लॉक्स मिल जाएंगे। सो ये चीज़ चेक करो, चारों जगह से आपको कस्टमाइज ये टाइप के लॉक्स मिल जाएंगे। जो बिलेट्स हैं, जो गाड़ी के सारे बोल्ट्स हैं, जो बिलेट्स जिसको हम चीज़ बोलते हैं, वो पूरे कस्टमाइज हैं। आप यहाँ पे चेक करो पूरी गाड़ी में, अभी मैं आपको बोनट वगैरह भी जो है सब कुछ खोल के दिखाऊंगा। सो ये पूरी गाड़ी में आपको कस्टमाइज बिलेट्स मिल जाएंगे। सो होप आपको ये जो चीज़ पसंद आई होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ गाइस, सो ये जो रियर वाला बटन है, ऊपर वाला बटन जो है ये रियर व्यू कैमरा के लिए, नीचे वाला जो है ये हेडअप डिस्प्ले के लिए है, और यहाँ पे आप ये वाला बटन चेक कर सकते हैं। बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गए जो एसी है वो कंपनी का मिलेगा आपको अंदर। इसमें जो कूलिंग है वो एकदम परफेक्ट कूलिंग है आपको इसमें मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो पावर है, पावर स्टेयरिंग आपको मिलेगा इसमें, पावर ब्रेक्स आपको मिलेंगी। जो पैडल्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, कस्टमाइज आपको पैडल्स मिल जाएंगे। पैडल कवर जो भी हैं सारे मेटल्स में है। और वायरिंग का काम चेक करो, इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रखा है इस गाड़ी के अंदर, नो डाउट। और हर सीट पर आपको गए इस पावर विंडो का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रियर व्यू मिरर। मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है, ये मैनुअल है और यहाँ पे गाइस ये ऑटोमेटिक है। सो दोनों टाइप के जो ऑप्शन है इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब हम रियर की तरफ चलते हैं। सो ये मैंने बंद करा। रियर में जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ, कुछ कार्बन डिटेलिंग्स हो रखी हैं यहाँ पे। सो ये कार्बन की आपको डिटेलिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी रियर में। और रियर में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से। सो रियर में भी आपको फोकल के स्पीकर्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिलेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इजी लॉकिंग हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको हर एक साइड में आपको पावर विंडो वाला ऑप्शन मिलने वाला है। आप यहाँ पे फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हैं इजीली। जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। सीट्स के साथ आपको हेडरेस्ट जो है वो इसके साथ इंस्टॉल्ड मिलेगा। इंस्टॉलेशन के साथ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रियर सनशेड है, ये चीज़ चेक करें आप। रियर सनशेड जो है इसमें इंस्टॉल हो रखा है। सो गाइज नो डाउट गाड़ी मारुति के हिसाब से बहुत ही यूनिक और जेन्युइन जो है कस्टमाइजेशन करा रखी है। अब हम बात करते हैं इसके साउंड सिस्टम के बारे में। तो गाइस ये इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और सुन सकते हैं आप यहाँ पे साउंड स्ट्रीम के 2 8-8 इंच के सबवूफर लगे हुए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 2 चैनल का एम्प मिल जाएगा, यहाँ पे 2 चैनल का एम्प मिल जाएगा। सो ये भी साउंड स्ट्रीम के जो है इसमें एम्पलीफायर जो है इंस्टॉल्ड है। और अंदर से मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। जब मैं बात करने वाला हूँ हुड की, सो हुड खुल चुका है गाड़ी का, और देखिए आप कितना नीट एंड क्लीन है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आज ही खरीदी है। सो ये बिल्कुल मेंटेन्ड जो है इसका अंडर हुड आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको KNN का एयर फिल्टर इसमें इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है। सो गाइज यहाँ पे आपको पावर ब्रेक का ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपके जो हॉर्न्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे गाइज, 4 हॉर्न्स जो हैं इसमें लगे हुए हैं इंस्टॉल्ड, बहुत ही अच्छी जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो गाइज नो डाउट गाड़ी के अंदर टोटल A to Z बहुत अच्छा काम हो रखा है। आप यहाँ पे हेडर्स इसके जो हैं वो चेक कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर जो हेडर है इसके अंदर बहुत अच्छे से काम के साथ लगे हुए हैं। सो होप आपको गाड़ी गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये चीज़ चेक करो आप, ऑटोमेटिक इसमें विंडोज अप हो जाती हैं 1 by 1। अब वो वाली हो गई, अब इस वाली की बारी है। सो ये आप गाड़ी लॉक करोगे, अगर आपकी विंडोज़ खुली हुई हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है अप हो जाएंगी। वो हो गई, अब इसकी बारी है। सो ये चीज़ चेक करो, ऑटोमेटिकली हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा जो फीचर है जो कि लग्जरी कार्स में आता है, वो इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। सो होप आपको गाइस ये गाड़ी के जो सारे फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको गाड़ी पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाड़ी के उस पर वीडियो पर एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर देना गाइस।
Hey guys, इसमें फ्यूल कैप लगा हुआ है यहाँ पे, सो ये ओपन हो गया। बाहर से खोलने की जैसे की नॉर्मल मारुति में कीज आती हैं, सो आपको की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है। अंदर से प्रेस करो और यहाँ पे आपको फ्यूल कैप का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ये फिर से खुल के दिखाया, यहाँ पे जैसे आप अप कर दी तो ये आपको डबल जो है दिख रहा है, इसमें डबल हीट हो जाएगी, और नीचे लो करी तो आपकी सिंगल ही रहेगी। दोनों साइड आपको ये मिलेगा, ये राइट है और ये लेफ्ट है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट जो है अवेलेबल होगा, और दो चार्जिंग पॉइंट है जो इसके अंदर अवेलेबल है। सो होप आपको जो गाइस सारी गाड़ी में चीजें लगी हुई है बहुत पसंद आई होंगी। यहाँ पे आप जैसे इसका रिवर्स देख सकते हैं, तो रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। जो ये लाइट का डिजाइन है बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव जो है इसको बना रहा है। सो गाइस, ये नॉर्मल मारुति में आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, पर यहाँ पे आपको कस्टमाइज लाइट में आपको ये टर्न इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हार्ले डेविडसन नाइट रॉड। सो सबसे खास बात इस नाइट रॉड की ये है, सो ये गाइस पूरी की पूरी तैयार और रखी है पोर्शा से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्शा का साइन, ये चेक करें आप, पूरा पोर्शा से डिज़ाइन हो रखी है। 2017 में पोर्शा हार्ले डेविडसन से जो है अलग हो गया था, तो इस वजह से अब वो अलग ही बनाते हैं नाइट रॉड हार्ले डेविडसन वाले। बट ये नाइट रॉड जो है पोर्शा से डिज़ाइन है, 2017 मॉडल है, और हमारे भैया की है जिनकी गाड़ी मैं इस वीडियो में आपको दिखाई है, मारुति उन्हीं की गाड़ी बाइक है ये जो चीज़ देखने को आपको मिल रही है। ब्लैक कलर, 0-100 जाती है 2.3 सेकंड्स में। सो आप एक बार इसकी चीज़ चेक कर सकते हैं, पीछे से इसका व्हील जो है आप वो चेक करें। 245 mm का जो है इसमें व्हील लगा हुआ है, ड्यूल एग्जॉस्ट है ड्यूल टिप के साथ, बहुत ही बढ़िया जो है थ्रॉटल मारते हैं और बहुत ही पावरफुल स्पीड है इसकी। जो कलर है वो ब्लैक है, साथ में आपको यहाँ पे ऑरेंज स्ट्रिप। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको एक कस्टमाइज जो मारुति है ये पसंद आई होगी। अगर इसके मॉडल की बात करूँ तो गाइस ये 2013 मॉडल है, और ये गाड़ी गाइस ऑल ओरिजिनल है, इसमें कोई ज्यादा कटिंग नहीं हुई है, कोई बॉडी पार्ट को ज्यादा कट नहीं किया गया है, जो भी चीज है वो ऑल ओरिजिनल है। सिर्फ इंटीरियर्स में जो है वो ज्यादा फोकस करा गया है, क्योंकि इंटीरियर्स इसके वन ऑफ द बेस्ट मारुति जो मैं शूट करने आया हूँ उस चीज के हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम। मैं फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स लेके आता रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस को गाइज देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर।